ये तो हर साल का पर्व है और जनवरी महीना में नौ वर्ष और मकर संक्रांति 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। नया साल सब लोगों के जीवन में सब लोग के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का, जो कि आरजेडी से विधायक भी हैं, उनका इस तरह से बयान जो रामचरितमानस को लेकर के आया है, तो ये जो उनका ओपिनियन है, ये जो उनका बयान है, ये सिर्फ रामचरितमानस को नहीं हमारे सनातन धर्म पे भी वार करने का प्रयास कर रहे हैं, इसको किस रूप में देखेंगे आप? देखिए, शिक्षा मंत्री जी का जो बयान है उस पर हम लोगों के मुख्यमंत्री जो जदयू से हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पहले ही इसमें जवाब दे चुके हैं कि उनका अपना वक्तव्य है, इससे हम लोगों की सरकार की और पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। अगर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है इसके लिए उन पर ये भी हुआ कि आप उसके लिए माफ़ी मांगिए, किस विचारधारा से वो किए हैं उन लोगों की क्या रणनीति है ये हम लोगों की पार्टी इस पर कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दे सके। माननीय मुख्यमंत्री जी उसको सिरे से खारिज कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो अपने बयान पे कायम रहेंगे, वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे और ना ही उस पर माफ़ी मांगने का कोई चर्चा है। मुख्यमंत्री जी की समाधान यात्रा चल रही है, समाधान यात्रा खत्म होगी और निश्चित रूप से कोई ना कोई कार्रवाई पार्टी उन पर जरूर करेगी। अच्छा, एक शिक्षा मंत्री होते हुए, चूंकि बिहार का सबसे रिपोर्टेड एक पद होता है शिक्षा मंत्री, अपने आप में एक गर्वान्वित पद है, और शिक्षा मंत्री का इस तरह से शिक्षा को लेकर के बयान देना कितना सही है? देखिए, इसके पहले भी जब जदयू और भाजपा की सरकार थी तब भी कुछ बहुत तरह की अनर्गल प्रलाप भाजपा के भी मंत्री किया करते थे, उस पर भी हमारे मुख्यमंत्री सख्त टिप्पणी देते थे और सख्ती से उसका विरोध करते थे। ये भी एक पार्टी गठबंधन की चल रही है, गठबंधन की कुछ मजबूरियां होती हैं जिनके चलते कि वो आरजेडी से मंत्री है, आरजेडी कोटा से निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से बात होगी और उन पर जो भी कार्रवाई होगी सही होगी, देश हित में ही होगी। अरेराज नगर पंचायत में जितने भी लोग चुन के आए हैं, नव निर्वाचित जो मेयर बने हैं, उप मेयर बने हैं और वार्ड पार्षद बने हैं, इनको नगर के विकास के लिए क्या सुझाव देंगे आप? देखिए, श्रीमान नगर के विकास के लिए विगत 15 वर्षों से मैंने नगर पंचायत में काम किया है और एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। पूर्व में जो भी था वह वार्ड पार्षद के द्वारा जो बोर्ड गठित होता था उसके द्वारा जो निर्वाचित होते थे, वहीं नगर अध्यक्ष, उस समय बहुत तरह की बोर्ड के साथ मजबूरियाँ थी वार्ड पार्षद होने से, आज एक स्वतंत्र फील्ड मिला हुआ है किसी भी अध्यक्ष के लिए और मुझे आशा है कि वह बढ़िया से काम करेंगे और नगर पंचायत जो कि सोमेश्वर बाबा की नगरी है, यहाँ के विकास के लिए सभी को मिलजुल कर सभी पार्षदों को साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे और मुझे इसमें अच्छा भविष्य दिखाई दे रहा है।